Hello everyone. Hope you all are well and good. So today we will start new chapter of class 8 science. That is chapter 2, microorganism, friend and foe. You all of you know that what is meant by friend? And foe term is new. It is new term for you people. So what is meant by foe? Upko idea lag फो मीन्स एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंड होते हैं और कुछ माइक्रो जो होते हैं वो हमारे फो होते हैं सो वॉट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म that you can't see them with a the naked eye they can only be seen under microscope they're very tiny in size that is why you need a microscope to see them microorganisms are also known as microbes for example you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled एंड इट सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचे ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वॉट यू विल सी इज दैट यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडड स्ट्रक्चर अगर आप रेनी सीजन के अंदर ब्रेड को मॉइस्ट करके रखेंगे तो ब्रेड विल गेट स्पॉइल्ड और जो ब्रेड का सरफेस होगा वो ग्रे ब्लैकिश हो जाएगा इसका मतलब क्या है वहाँ पे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वाज एन इंट्रो ऑफ द चैप्टर एन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट मे एग्जिस्ट इन इट सिंगल सेल और कॉलोनी ऑफ सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्या वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो सिंगल सेल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कॉलोनी ऑफ सेल्स मतलब वो यूनी सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं सिंगल सेल का मतलब क्या हुआ कि एक ही सेल सारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करेगा कॉलोनी ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगा मल्टीपल सेल्स होंगे बहुत सारे सेल्स होंगे और हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा ओके लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द इको सिस्टम ऑफ आर प्लेनेट वो हमारे इको सिस्टम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म इन टू द बेसिक न्यूट्रियस दैट आर असेंशियल फॉर लाइफ ऑन आर प्लानट आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेजिटेबल वेस्ट फ्रूट वेस्ट आप बाहर डंप कर देते हो तो कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट डे आपको वहाँ से वो वेजिटेबल स्क्रैप्स वगैरह डिसअपियर मिलेंगे गायब मिलेंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गैनिज्म फीड करते हैं और उसमें से अपना खाना वो ऑप्टेन कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं डीकम्पोज कर देते हैं उस वेजिटेबल्स क्रैब्स फ्रूट्स वगैरह को ओके सो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल वॉट इज़ द नेचर ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोब्स होते कैसे हैं माइक्रोब्स में भी यूनिसेलुलर अभी जैसे मैंने बताया यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें एक ही सेल सारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करेगा उनको क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया प्रोटोजोवा ओके okay, ये तो हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स एंड माइक्रोब्स कैन ऑल्सो भी मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर मीन्स दे कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन टू सेल्स एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर आर समल्गी एंड फंजाई एल्गी और फंजाइज के एग्जाम्पल होते हैं ओके okay? वॉट आर दे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कितने टाइप्स के होते हैं देयर आर मेनली दे आर डिवाइडेड इंटू फोर मेजर ग्रोप्स ओके फोर मेजर ग्रोप्स होते हैं वॉट आर दे बैक्टीरिया फंजाए एलगी एंड प्रोटोजोवा फनजाई का एग्जाम्पल होता है ब्रेड माउल पैनिसलियम दिस पिक्चर इज ऑफ पैनिसलियम एलगी एलगी का एग्जाम्पल क्या होगा कैलेमाइडोमोनास एंड स्पायरोरा प्रोटोजोन एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम एक और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं दे आर नोन एज वायरस दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज़्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसीलिए वायरस उनसे अलग होता है वायरस को क्या रिक्वायरमेंट होती है होस्ट बॉडी होस्ट ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट होती है और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है वो किसके अंदर रिप्रोड्यूस करेगा क्या तो बैक्टीरिया के अंदर या प्ला, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है ओके आपने अब देखा होगा जब भी आपको जुखाम इन्फ्लू कोल्ड इन्फ्लुएंजा होती है या कोई फ्लू होती है तो आपको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपको वायरल हो गया है सो दैट वायरल इज द कॉज्ड बाय वायरसेस जो वायरल डिजीज़ है ये कौन कॉज करता है वायरसेस सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस ओके ये भी कौन चिकन पॉक्स हुआ पोलियो हुआ इनको भी कौन कॉज करता है वायरसेस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस यू कैन सी दैट दिस हेक्सागोनल शेप है इज नोन एज हेड दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज नोन एज टेल एंड लास्ट वन इज एंड प्लेट एंड दीज आर टेल फाइबर्स ओके याद रखना ये बाकी ऑर्गेनज से क्या होता है डिफरेंट होता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनज लिव अब माइक्रो ऑर्गेनज की बात तो हो गई लेकिन वो रहते कहाँ पर माइक्रोब्स कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स माइक्रोब्स का क्या काम होता है ये हर जगह पे मिलते हैं हर हैबिटेट में मिलते हैं दे कैन विद स्टेंड ऑल एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट मतलब क्या होता है वो कोल्ड रीजन्स में भी मिलते हैं आइसी रीजन्स में भी मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं डेजर्ट्स में मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी रीजन्स उनको एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने की आदत होती है ओके दैट इज़ वाई दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इनक्लूडिंग ह्यूम्स ये क्या होते हैं बॉडीज एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी मिलते हैं और ह्यूम्स की बॉडीज़ के अंदर भी मिलते हैं सम माइक्रोब्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनज़ वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज़्म के ऊपर ग्रो करते हैं दे आर नोनज पैरासिटिक ऑर्गेनिज़्म और कुछ नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं am i clear i hope you all have understood these basic terms and these topics if you are having any doubt you may ask in comment section thank you for listening and watching my video